हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स मैं हूँ श्वेता पाला और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे सो ऑन योर रिक्वेस्ट आज मैं डी बी टी जे आर एफ टू थाउजेंड सेवेंटीन के सेक्शन बी के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सेक्शन ए के साथ मैं सेक्शन बी को भी सॉल्व करूँ तो ऑन योर रिक्वेस्ट मैंने डिसाइड किया कि टी वी टी जे एरब टू थाउजेंड सेवेंटीन के सेक्शन ए के क्वेश्चन के साथ साथ पैलली मैं आपको सेक्शन बी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एक वीडियो डालती जाऊँ तो सेक्शन बी सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है इसमें मैं कोशिश करूँगी कि जितने अधिक क्वेश्चन हों सेक्शन बी के मैं उसे सॉल्व करूँ ओके बिकॉज की सेक्शन बी जो है वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन फील्ड से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितनी अधिक क्वेश्चन मैं आपको उसके करवा पाऊँ आपको करवाऊँ ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू okay? हिट द बेल आइकन ओके आइकन हिट करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे उनके अपडेट्स उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें सबसे पहले देख पाएंगे साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन जिसमें हम बात करेंगे डी बी टी जे आर एफ टू थाउजेंड सेवेंटीन के सेक्शन बी के क्वेश्चंस के बारे में ओके okay? सो हे द फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है देर आर थ्री जीन्स ए बी एंड सी दैट आर फंक्शनली रिलेटेड देर इज अ पॉइंट म्यूटेशन इन जीन ए ड्यू टू विच जीन बी इज नॉट एक्सप्रेस्ड रिजल्टिंग इन अन फंक्शनल जीन सी प्रोडक्ट ओके वॉट इज द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री जीन्स ओके सो क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे तीन जीन्स हैं ठीक है ए बी एंड सी एंड ये एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड हैं ओके जीन ए में किसी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से अब ये क्या हो रहा है इसका असर किस पे पड़ रहा है बी पे पड़ रहा है जो कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज जीन ए में पॉइंट म्यूटेशन हुआ है ओके एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है नन फंक्शनल जीन सी का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ओके okay? तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज एन एंजाइम बी एंड सी आर सबस्ट्रेट ऑफ ए तो इसका एक बार पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसा बन रहा है इसका मैंने एक रफ डाइग्राम ड्रॉ करा है तो यहाँ पे आप देखिए ए किस पे इफेक्ट डाल रहा है बी पे एंड बी इफेक्ट कर रहा है सी को ओके okay? अगर ए प्रोड्यूस हो रहा है देन ये बी को एक्टिवेट करेगा एंड ये बी क्या करेगा सी का प्रोडक्शन करने में मदद करेगा फंक्शनल जी का फॉर्मे सी का फॉर्मेशन करेगा ओके okay? सो so, अगर ए एबसेंट है ओके इफ ए इज नॉट प्रोड्यूसिंग देन क्या हो रहा है बी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ओके okay? तो इट मीन्स हम इससे क्या कर सकते हैं हम इससे इतना पता कर सकते हैं कि ए जो है इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन बी के ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओके okay? तो उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है ए इज एन एंजाइम ओके एंड बी एंड सी आर द सबस्ट्रेट इट मीन्स क्या होगा कि ए जो है वो डायरेक्टली बी एंड सी दोनों को ही अफेक्ट करेगा ठीक है इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इस ऑप्शन के हिसाब से जो कि है नहीं सो द ऑप्शन इज रॉन्ग ओके देखते हैं ऑप्शन डी के बारे में सो ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है सी इज़ इन दैट रिक्वायर्स ए एंड बी एज एट सबस्ट्रेट सो अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे फिर कुछ ऐसा बन रहा है ना देखिए सी जो है वो डायरेक्टली ए से भी रिएक्ट कर रहा है और इंट्रैक्ट कर रहा है एंड वो बी से भी इंट्रैक्ट कर रहा है सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इनके बीच जो रिलेशनशिप बन रहा वो एक है वो लीनियर रिलेशनशिप है ओके एक तरह का कैस्केड मैनर में फंक्शन हो रहा है थर्ड ऑप्शन था बी इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर सी एंड ए अगर बी इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर सी एंड ए यहाँ पे कहा जा रहा है अगर वो ए के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता देन इसका मतलब क्या होता है कि बी के ऑप्सेंस में ए का प्रोडक्शन नहीं होता बट यहाँ पे क्या हो रहा है जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है ए अगर ऑब्सेंट है तो बी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है इट मीन्स कि ये कंडीशन भी सुटेबल नहीं है रह गया हमारा ऑप्शन नंबर बी ओके सो से हमने ये ऑल आउट कर लिया है अब हम एक बार बी को भी देख लेते हैं बी में क्या ऑप्शन है ए इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर बी ठीक है यहाँ पे हमने देखा हमारे इस क्राफ्ट के अकॉर्डिंग कि ए क्या कर रहा है इसको स्टमुलेट कर रहा है प्रोडक्शन के लिए सो इफ ए इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ठीक है तो इसके आप में क्या होगा बी का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ठीक है एंड बी इज़ नीडेड फॉर सी टू बी फंक्शनल सो बी यहाँ पे हो सकता है या तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो या फिर इन्जाइम्स हो सकता है ठीक है जो की जरूरत है सी के प्रोडक्शन के लिए ओके okay? सो so, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी था वो करेक्ट आंसर था डन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिटेक्टेबल सीरम एंटीबॉडी अगेंस्ट अ टी इंडिपेंडेंट पैथोजेन इज गुड इंडिकेशन तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पैथोजेन है जो कि टी इंडिपेंडेंट है यानी टी सेल का रिस्पांस वो नहीं शो करेगा यानी अगर ये पैथोजिन से हमें इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होगा टी सेल्स उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे ऐसे में डिटेक्टेबल सेरम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे कौन फंक्शनल हो रहा है बी सेल्स बिकॉज बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी ओके ठीक है सो इसका मतलब क्या हो जाएगा अ फंक्शनल बी सेल सिस्टम एग्जिस्ट ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इफ हंड्रेड के बी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए हैज टेन इवनली स्पेस्ड एंड सिमेट्रिक रेप्लीकेशन ओरिजिन ओके सपोज दिस इज द हंड्रेड के बी फ्रैगमेंट ओके अब यहाँ पे टेन इवनली स्पेस्ड ओरिजिन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ओके देन क्या इसमें कहा जा रहा है ये टेन जो टेन evenly स्पेस्ड एंड symmetric replication origin है ये सारे evenly स्पेस्ड हैं सो हमारा फ्रेगमेंट जो है वन थाउजेंड के बी का है एंड इसमें टेन सेमेट्रिक रेप्लिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इट मीन्स क्या है इन दो औरिजिनस के बीच में कितनी की दूरी होगी हम यहाँ पे ले सकते हैं हंड्रेड के बी की दूरी होगी ठीक है एंड चूंकि इवेनली स्पेस्ड है सारे ओरिजिन यानी सबों के बीच में हंड्रेड के बी का डिफरेंस होगा ओके okay? नाउ उसके बाद क्या बताया गया है डी एन ए पॉलीमरेज मूव एट वन के बी पर मिनट डीएनए पॉलीमरेज़ एक के बी पर मिनट की स्पीड से मूव कर रहा है हाउ मेनी मिनट विल इट टेक टू प्रोड्यूस टू डॉटर मॉलिक्यूल्स इग्नोरिंग द पोटेंशियल प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द लीनियर पीस ऑफ डी एन एके अज्यूम दैट द टेन ओरिजिन आर इवनले स्पेस्ड फ्रॉम ईच अदर एंड नन स्टार्टिंग फ्राम द एंड ऑफ द क्रोमोजोम तो यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि जितने भी ओरिजिन हैं उनमें से कोई भी एंड पे मौजूद नहीं है और ये सारे ओरिजिन जो हैं एक दूसरे से ठीक है एक दूसरे से इवेंटली स्पेस्ड हैं उनके एंड से वह किस तरह से हैं वो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे बताया गया कि ओरिजिन जो हैं वो इवेंटली स्पेस्ड हैं एक दूसरे के साथ ओके okay? तो अभी हमें ये बताना है कि दो डाउटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमें कितना टाइम लगेगा सो so, अगर आप फर्स्ट साइट में देखें तो हमें करेक्ट आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर डी हंड्रेड बट दिस इज द रोंग आंसर क्यों है इसका मैं कारण बता रही हूँ यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी ओरिजिन एंड पे नहीं है इट मीन्स अगर जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरीज है वो वन डायरेक्शन में मूव करता है तो एज अ रिजल्ट हमेशा जो हमारा स्टार्टिंग का डीएनए एन एग का सेगमेंट है वो क्या होगा वो रेप्लिकेट नहीं होगा ये डीएनए एन सेगमेंट जो अनरेप्लिकेटेड रहेगा और जब तक कि रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा दो डाउटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है ओके सो इन दैट केस हमें यहाँ पर मानना होगा कि जो रेप्लीकेशन होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा ओके इफ द रेप्लीकेशन इज बाय डायरेक्शनल देन ओनली देर इज पॉसिबल कि जो हमारा डीएनए है वो कंप्लीटली रेप्लीकेट हो पाएगा ओके okay? सो so, इसलिए क्या होगा अब यहाँ पे से हमारा डीएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर रहा है ठीक है और वो शुरू कर रहा है यहाँ पे क्या होगा बाई डायरेक्शनल होगा तो दो डीएनए पॉलीमरेज आएंगे यहाँ पे भी होंगे हर पे दो आके बाइंड करेंगे ठीक है जितने भी ओरिजिन हैं इनसे दो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे और ये चलना शुरू करेंगे ठीक है वन के बी पर मिनट तो ये भी एक के भी क्रॉस करेगा और ये भी क्रॉस करेगा इस तरह से करके इधर से ये आएगा ओके okay? तो इस तरह से करते हुए क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों ही डीएनए पॉलीमरेज एक दूसरे से मिलेंगे और जो रेप्लिकेशन होगा फाइनली टर्मिनेट करेगा और ये पॉइंट क्या होगा ये होगा 50 के बी का ओके okay? अगर किसी को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल एसबाला टूटोर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स पे आप जुड़ सकते हैं ओके okay? तो यहाँ पे क्या होगा ये 50 के बी जब चलेगा हमारा एक पॉली 50 बेस पेयर्स को जब ट्रैवल uh, करेगा उसी टाइम में क्या होगा ये दूसरे साइड से भी 50 आ जाएगा और सबके साथ ऐसा ही होने वाला है ठीक है तो एज अ रिजल्ट क्या होगा 50 मिनट्स में जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वो कम्प्लीटली डुप्लीकेट हो जाएगा और हमें दो डाउट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दी थी जिनको कि ध्यान में रखना था ओके okay? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने पहले मेंशन कर दिया है कि टेन ऑरिजिन जो है इवेंटली स्पेस्ड हैं कोई भी ओरिजिन जो है वो एंड ऑफ द क्रोमोजोम के नहीं है, ओके okay? तो ये सारी जो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होते हैं इनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है अदरवाइज इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नेचर इन ए प्रोटीन विल टारगेट टू द न्यूक्लियस ओके सो न्यूक्लियस को टारगेट करने के लिए कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे सो वो एज वी नो दैट की बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि काम होता है जिनका डी एन ए रेप्लीकेशन के लिए इनसाइड द न्यूक्लियस बट उनका सिंथेसिस क्या होता है वो होते हैं सिंथेसाइज साइटोसोल में ठीक है तो ऐसे प्रोटीन्स को जब न्यूक्लियस में जाना होता है तो वो कुछ इम्पोटीन के थ्रू जो न्यूक्लियर पोर्ट से होते हुए वो एंटर करते हैं न्यूक्लियस के अंदर बट ये इम्पोटीन जो होता है वो उन्हें एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करता है और ये सीक्वेंस जो होते हैं वो होते हैं टारगेट सिक्वेंसेस जो कि जनरली बेसिक एसिड्स के होते हैं ठीक है यानी जो हमारे बेसिक एसिड हैं हिस्टिडीन अर्जन एंड लाइसिन इनके सिक्वेंसेस होते हैं एंड ज़्यादातर देखा जाता है कि वो लाइसिन रिच होते हैं सो so, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड ये जो डी प्रोटीन आते हैं एसिड जो इम्पोर्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो जनरली इंट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियर पोर्स के पास मौजूद फिनाइल एलालीन के साथ यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के पास भी कुछ प्रोटीन कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि चेक करते हैं कि करेक्ट एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है तो उनमें फिनाइल एलालीन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं जो कि इसको चेक करते हैं कि पोटीन जो लेके आ रहा है वो करेक्ट है प्रोटीन सिक्वेंस या नहीं ठीक है

न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल नॉर्मली इज लोकेटेड एनी वेयर ऑन द पेप्टाइड चेन एंड इट इज द लाइसिन रिच सो ये जो हमारा पेप्टाइड चेन होता है उसमें कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है और लाइसिन रिच हो सकता है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन इन हेवी चेन एंड लाइट चेन इम्नोग्लोबिन लोकाइट सो so, हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो टिट्रामोर होता है इसमें क्या होते हैं दो हेवी चेंस होते हैं एंड दो लाइट चेंस होते हैं ओके okay? सो so, कुछ ऐसा होता है वो दो हेवी चेंस होते हैं दो लाइट चेंस होते हैं ठीक है एंड ये हेवी चेन एंड लाइट चेन में भी दो रीजन्स होते हैं एंड टर्मिनल वेरिएबल रीजन एंड सी टर्मिनल कॉन्सटेंट रीजन ओके सो so, इनके जीन्स जो होते हैं वो एज वी नो दैट द देर इज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस विच एंटर इन आवर बॉडी आर एनकाउंटर्ड बाय द इम्यूनोग्लोबिन तो ये इम्यूनोग्लोबिन इतने सारे डाइवर्सिफाइड एंटीजेंस को कैसे रिकोगनाइज करते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल रीजन्स ओके एंड ये वेरिएबल रीजन्स के लिए इतने सारे जो जीन्स होते हैं इनके कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है सो बाय द रिसफलिंग ओके और बाय रिकॉम्बिनेशन ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट चेन का तो लाइट चेन का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें दो सेगमेंट्स बनते हैं ठीक है लाइट चेन के लिए वी रीजन होता है जो कि वेरिएबल रीजन को डिनोट करता है एंड एक हमारा होता है जे सीक्वेंस जो कि डिनोट करता है किसे ज्वाइनिंग सेगमेंट को तो कोई भी लाइट चेंज जो होता है वो बेसिकली दो वेरिएबल सेगमेंट का बना होता है जो भी हमारा लाइट चेंज होता है वो बेसिकली um, दो सेगमेंट कैरी करता है पहला होता है वेरिएबल सेगमेंट दूसरा होता है कांस्टेंट सेगमेंट और जिसको ज्वाइन करता है ज्वाइनिंग सेगमेंट ओके तो जींस का अरेंजमेंट जो होता है कुछ ऐसा होता है वी एल जे एल एंड देन सी एल ठीक है ये ऐसे कुछ होता है तो अगर ये जीन्स जो होते हैं इस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तभी जा के जो हमारा चेन है वो सिंथेसाइज़ होता है तो दिस इज द कंडीशन फॉर द लाइट चेन इन केस ऑफ़ हैवी चेन क्या होता है देर आर थ्री सेगमेंट्स ओके फॉर द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन हैवी चेन के लिए जो वेरिएबल रीजन होता है उनके लिए थ्री सेगमेंट्स होते हैं पहला होता है वेरिएबल रीजन सेकेंड होता है आपका डाइवर्सीफाई सेगमेंट और डायवर्सिटी सेगमेंट जिसे हम डी से डी नोट करते हैं एंड देन होता है ज्वाइनिंग रीजन जो कि जाके ज्वाइन करता है हमारे कांस्टेंट सेगमेंट से ओके सो सी एच से जा कर के ज्वाइन करता है तो सीक्वेंस बेसिकली कैसा होना चाहिए वी एल जे एल एंड सी एल का या फिर वी एच डी एच या जे एच जैसा ओके तो सीक्वेंस में हमारा क्या होना चाहिए वी एल एंड जे एल ओके है यहाँ पे सेकेंड है डी ओके ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है डी एच एंड जे एच तो यस yes, ये सीक्वेंस बन सकता है ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है वी एच डी एच तो ये भी सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म होगा बट जो सीक्वेंस फॉर्म नहीं होगा वो कौन सा होगा पी एच जे एच बिकॉज उनके बीच में क्या होना चाहिए डी एच होना चाहिए तभी ये अरेंजमेंट जो है चीन की सिंथेसिस करेगी अदरवाइज ये सिंथेसिस नहीं करेगा सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज जंक्शनल डाइवर्सिटी इन सी डी आर थ्री ड्यूरिंग जीन अरेंजमेंट रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ द इसमें से ऑप्शन दे दिए गए हैं पहला है स्विच रीजन न्यूक्लियोटाइड्स सेकेंड इज पी एन एन न्यूक्लियोटाइड्स थर्ड इज वी डी जे न्यूक्लियोटाइड्स थर्ड फोर्थ इज कम्बिनेशन सिग्नल सिक्वेंस सो ये भी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओके पी एन एंड न्यूक्लियोटाइड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फंक्शन ऑफ द नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स इन द थाइमस इज टू एलिमिनेट सो so, हमारे जो भी सेल्स होते हैं वो जाकर के थाइमस में मेच्योर होते हैं एंड उनकी मेच्योरिटी के बाद वो प्रॉपरली एजुकेट हुए हैं या नहीं वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे या नहीं इसके लिए उनका क्या होता है सिलेक्शन होता है एंड ये सिलेक्शन क्या कहलाता है थाइमिक सिलेक्शन ये दो तरह का होता है पॉजिटिव सिलेक्शन होता है और एक होता है नेगेटिव सिलेक्शन ओके okay? सो पॉज़िटिव सिलेक्शन के केस में क्या देखा जाता है कि ये सेल जो है वो फॉरेन या फिर सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ओके okay? अगर सेल जो है टी सेल्स पॉजिटिवली जो है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं देन इनका क्या होता है पॉजिटिवली सिलेक्शन हो जाता है एंड आफ्टर दैट क्या होता है इनका नेगेटिव सिलेक्शन भी किया जाता है नेगेटिव सिलेक्शन करने का पर्पस ये होता है ताकि सेल जो है वो बॉडी के जो टी सेल्स हैं वो बॉडी के एंटीजेंस या एमएचसी के लिए एक्स्ट्रा अगर एफिनिटी रख रहे हैं यानी उनसे ज़्यादा वो अटैच हो रहे हैं तो केस क्या होता है इन दैट केस जो टी सेल्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है बिकॉज दे कॉजिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस ओके तो नेगेटिव सेलेक्शन का पर्पस क्या होता है जो भी ऑटो रिएक्टिव थाइमोसाइट्स होंगे उनको एलिमिनेट करना ओके यानी सेल्फ के लिए सेल्फ इम्यून सिस्टम पे अगर एक्ट करने लगे सेल्फ इम्यून सिस्टम को वो ज़्यादा अटैक अट्रैक्ट करने लगे देन इन दैट केस क्या होता है उनका वैसे थाइमोसाइट्स को रिमूव करने के लिए एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। इन केस ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन केवल इतना देखा जाता है कि जो हमारे टी सेल पे मौजूद रिसेप्टर्स हैं वो सेल्फ एमएचसी को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एमएचसी यहाँ पे चेक की जाती है ओके okay? रिकॉग्नाइज एम एच सी इफ़ द टी सेल रिकोगनाइजिंग एम एच सी दैन दे आर सेलेक्टेड पॉजिटिव ओके पॉजिटिवली उनको सेलेक्ट किया कर लिया जाता है इसके बाद क्या होता है उनका नेगेटिव सेलेक्शन होता है अगर ये जो इंटरक्शन है वो हद से ज़्यादा है यानी वो बहुत ज़्यादा हाईली जो है एम एच सी और सेल्फ एंटीजन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैंट केस तो क्या होता है वैसे टी सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है ओके okay? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं म्यूटेशन ऑफ होमियोटिक जीन्स ऑफन रिजल्ट इन इन वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल डिफेक्ट ड्रोसोफिला सो ड्रोसोफिला के अंदर हम लोग देखते हैं थ्री सेट्स ऑफ जीन जो कि उसकी पूरे बॉडी प्लान को डिसाइड करते हैं इनमें से थर्ड टाइप ऑफ जीन होता है जो कि है जीन इनका काम होता है बॉडी के सेगमेंटेशन को डिसाइड करना कि कौन सा सेगमेंट किस पार्ट में डेवलप्ड होगा ठीक है सो so, अगर हमटिक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा उनके बॉडी में प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं हो पाएगा ठीक है तो नाउ चेक द ऑप्शंस सो ऑप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ क्वान्टिजियस सेगमेंट्स सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट टू द अनदर थर्ड इज ट्यूमर फॉर्मेशन इन इमेजिनल डेस्क एंड फोर्थ इज एबसेंस ऑफ एवरी अदर सेगमेंट अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस सो यहाँ पे क्या हो रहा है सेगमेंटेशन नहीं हो पा रहा है इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट नहीं हो पाएगा यहाँ पे प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं हो पाएगी ओके okay? चलिए द लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक्स ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल सो मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू जो हमारे आयन्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके काइनेटिक्स को कौन सा ग्राफ प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है तो दे आर फोर ग्राफ्स एज वी ऑल नो कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल है ओके okay? तो इसके वजह से क्या होता है सेमी परमिबल नेचर होने की वजह से वो जो हाइड्रोफोबिक्स मॉलिक्यूल हैं या फिर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ईजिली अलाउ करती है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं, बट आयंस या मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ट्रांसपोर्ट वो ईज़िली अलाउ नहीं करती है इसलिए जनरली आयंस का जो ट्रांसफ़र होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है यानी उनको सेल मेम्ब्रेन में एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करने के लिए कई सारे में वहाँ पे फैसिलिटी चाहिए होती है कई सारे ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है ओके सो जनरली ये ट्रांसपोर्टर कैसे काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेचुरेशन्स ओके तो आयन्स के ट्रांसफर के लिए जनरली पम प्रोटीन्स जो होते हैं वो काम करते हैं एंड दे आर सेलेक्टिव इन नेचर ओके सो एक बार जब ये प्रोटीन्स सेचूरेट हो जाते हैं देन उसके बाद अगर आप आयन का कंसनट्रेशन कितना भी अधिक बढ़ाओ उनका ट्रांसपोर्ट रेट नहीं बढ़ता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन में क्या कहा जा रहा है कि आयन कंसनट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है ट्रांसपोर्ट का रेट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा अभी मैंने बताया कि सैचुरेशन के प्रिंसिपल पे काम करती है तो वंस द परमीज प्रोटीन आर सेचूरेटेड देन आफ्टर इफ वी इंक्रीजेस द आयन कंसंट्रेशन इट विल नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी द आयन एज द आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज इन ट्रांसपोर्ट रिमेन्ज अ कॉन्स्टेंट

दिन क्या हो रहा है अगर आयन कंसेंट्रेशन हम बढ़ा भी रहे हैं तो क्या होगा हमारा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ओके सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड दिस विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशंस ऑल्सो ओके सो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्वरी यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम माई चैनल इज लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स ओके और इसी तरह के और भी अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स को और देखें और भी यूज़फुल वीडियोस जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के प्रिप्रेशन में हेल्पफुल होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय